फंदे आ गए। वेलकम बैक खबरतीन रोज़ रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है ललकार का, ये वक्त है डोनेट करने का। खवातीन हजरात, 75% तक मुल्क अफेक्ट हुआ है सैलाब से। सैलाब जदगान की रिलीफ, उनका रेस्क्यू, उनकी रिहैबिलिटेशन, ये पूरा प्रोसेस जारी है और हमें लगता है कि आने वाले पूरे साल जारी रहेगा, क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं होता। बदलते मौसमों के साथ साथ आप देख रहे हैं लोगों की किस्मतें भी बदल रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस वक्त अपने आप को बड़ा बदकिस्मत कंसिडर कर रहे होंगे कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं, पूरी दुनिया एहतियात की तरफ जा रही है। वो रास्ता अख्तियार कर रही है कि किसी तरह उनकी भी थोड़ी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन हो इन मासूम लोगों की डिवेलपमेंट के लिए। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम लोग कितने ज़्यादा कामयाब हुए हैं इस पूरे रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके रबते मुनक़ता हैं शहरों से, उन तक रसाई बहुत मुश्किल है, बल्कि अगर बिल्कुल ग़लत नहीं होगा अगर मैं कहूँ उन तक रसाई नामुमकिन है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, कोई तरीक़ा ही नहीं रहा कम्युनिकेट करने का, क्योंकि एक एक चीज़ बह चुकी है। मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, वहाँ पर सेटेलाइट के ज़रिए भी बातचीत नहीं हो पा रही। थोड़े थोड़े वक्त में जब वो ख़ुद लोग नकल मकानी करेंगे, शहर बदलेंगे, आगे की तरफ आएंगे, दूसरे इलाकों में जाएंगे, तो पता चलेगा कि तबाही कहाँ तक पहुँची है। ख़वातीन हज़रात, मोहल्ले के मोहल्ले, गलियों की गलियाँ, सड़कें सब तबाह हो गई हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। और ये रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है ये जारी रखने के लिए बेतहाशा इदारे हैं जिनसे हमने आपको मुतारफ़ कराया है, आपको तरीक़ाकार बताया है कि आप अपने एहतियात, अपने डोनेशंस कौन कौन से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किसके ज़रिए से पहुंचा सकते हैं, ताकि वो लोग इन मासूम सैलाब जदगान की जो रेस्क्यू और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है उसमें असर अंदाज कर सकें। हमारे साथ इसफंद यार इनायत मौजूद हैं, जीएम हैं द सिटीज़न फाउंडेशन के, द फेमसली नोन एज द TCF। अस्सलाम वालेकुम इसफंद यार, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच जी आपके दावत देने का और बुलाने का। अच्छा इसफंद यार, मुझे बताएं TCF कितना जुगत हुआ है इस पूरे मसले को लेके? जी TCF वैसे तो आप जैसा आप सब जानते हैं कि तालीम के शोबे से जो है वो मुंसलिक है, लेकिन जिस तरह 2005 के जलजले में या 2010 के सैलाब में हमने लब्बैक कहा था या COVID-19 के उसमें किया था, तो इसी तरह इमिजिएटली वी डिसाइडेड एज मैनेजमेंट के हम लोगों को जो है वो सैलाब जदगान की जो है वो मदद करनी चाहिए। तो हम लोगों ने 3 फेजेज में जो है वो काम जो है वो शुरू किया है। सो पहला फेज़ तो ये है कि इमिजिएट मील्स जो हैं वो खाने जो है वो पहुँचाने हमने, तो उसमें हमने पाक फौज रेंजर्स का जो है वो तावन जो है वो हमें हासिल है। और हमें एक जो बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है वो ये कि हम 800 से ज़्यादा लोकेशंस पे मौजूद हैं फिज़िकली। तो हमारी एरिया टीम्स, हमारे 50,000 अलमनाए का नेटवर्क, हमारे 13,000 जो असातज़ा हैं, तो हमें 2-3 दिन के अंदर जो है वो एग्जैक्टली पता चल गया कि किन फैमिलीज़ को किन एग्जैक्ट इलाकों में और किन जगहों पे प्रायोरिटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पे उसी हिसाब से हमने फिर मोबालाइज जो हैं वो चीज़ें की। तो अभी तक जो है हम 40,000 लोगों तक जो है वो मील पहुँचा चुके हैं और इंशाल्लाह हमारा हदफ है कि 10,00,000 तक इंशाल्लाह हमने पहुँचाना है। ख़वातीन और आप लोगों की स्क्रीन पर TCF का जो अकाउंट नंबर है वो आ रहा होगा। अगर आप अपने एहतियात TCF को देना चाहते हैं तो आपके लिए हमने आसानी पैदा कर दी है, आप TCF तक अपने एहतियात पहुँचा सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, द सिटीज़न फाउंडेशन एक तालीमी इदारा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, तालीम की तगदो में लगे रहता है ये इदारा। जो स्कूल्स तबाह हो गए हैं, जो बच्चे अब शायद कभी स्कूल ना जा पाएँ या बहुत अरसे के बाद जा पाएंगे, TCF क्या तामीर करेगा स्कूल्स या कोई तरीक़ा ऐसा अपनाएगा कि ये बच्चे दोबारा से पढ़ सकें? जी, हमारे अपने खुद 100 के करीब स्कूल्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं और सैकड़ों स्कूलों में जो है वो अभी पनागाहें बनी हुई हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं। और पिछले सैलाब में भी हुआ था हमारा और हम एक्सपेक्ट करें कि इसमें भी कि काफ़ी डैमेज के बाद जो है लोगों ने इवन क्योंकि सूखी लकड़ी नहीं थी तो हमारे फर्नीचर तोड़ के जला के खाने बन रहे थे वहाँ पर। तो हमें अपने तकरीबन 100 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो रिहैबिलिटेट करने, ये तीसरे फेज़ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें जो है वो फंड्स जो हैं वो रेज करने होंगे, लेकिन पहले मरहले में मील्स देंगे। दूसरे मरहले में जो है वो हम लोगों का इरादा है कि हम जो है 5,000 फैमिलीज़ को
घर रिहेबिलेट करने के लिए जो है उसके लिए इमदाद हम उनको 5,000 फैमिलीज को जो है हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और तीसरे मरहले में फिर स्कूल्स को रिहेबिलेट, ताकि जो आपकी वाली बात है कि बच्चे वापस तालीम में उसमें आ सके। मुझे लगता है इस्फंद यार, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है कि जो आने वाला वक्त है, आई थिंक उसके लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं लगता कि अब तक जिस तरह एक कराची का बड़ा मशहूर लफ्ज़ है जुगाड़, आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि अब वो जुगाड़ के ऊपर आने वाले वक्तों में आप काम कर पाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, सर, बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक किताब में पढ़ा था, हैंस रॉसलिंग की, फैक्टफुलनेस नाम है उसका। उनका कहना यह था कि 1890 में स्वीडन वहाँ पर था जहाँ पर आज सोमालिया या लो इनकम अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। 1940s में उनका कहना था स्वीडन वहाँ था इकोनॉमी उसकी जहाँ आज इजिप्ट खड़ा है, एंड 2022 में हमको सबको पता है स्वीडन कहाँ खड़ा है। और वो डायरेक्ट कोरिलेशन कहते हैं वो एजुकेशन से, क्योंकि स्वीडन ने अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटी रखा था। बिल्कुल। और एक फोकस के साथ वो चलते रहे 100%, जिसकी वजह से आज स्वीडन जहाँ है, इकॉनमी इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी इकॉनमी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, बड़ी है। और आपको पता है, अगर आप स्वीडन, आई एम श्योर आप गए होंगे, क्योंकि नॉर्वे से बिल्कुल साथ ही है। मुझे इत्तेफाक हुआ स्वीडन जाने का, एक तो मुझे वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी यूरोप बहुत बेहतर लगता है, और जब आप स्वीडन जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी कि गली गली कोने कोने पे छोटे छोटे मुख्तलिफ तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे आप सिलाई सीखना चाहते हैं, कोई ज़बान सीखना चाहते हैं, कुकिंग सीखना चाहते हैं, हर जगह पे लर्निंग लर्निंग लर्निंग, आई थिंक लर्निंग वॉज द मोस्ट कॉमन वर्ड उनकी सड़कों पर जो लिखा हुआ था, जगह जगह स्वीडन का खास तौर पर बता रहा हूँ, नॉर्वे से बिल्कुल साथ है। अगर आप नॉर्वे जाते हैं, कभी भी मैं गया था फॉर एक वहाँ पे प्रोग्राम था उसके लिए, तो यू नो इट वाज सो इजी जस्ट टू पास थ्रू स्वीडन, और वहाँ पे हर तरफ जो एक कॉमन चीज़ थी वो लर्निंग थी, कुछ सीखें। और मैं आप लोगों से भी खवातीन के साथ बार रहा ये बात कह चुका हूँ कि वक्त उम्र की कोई कैद नहीं होती, और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता। अगर आपके पास वक्त है, अगर आपकी इस्तेआत कुछ भी सीखने की है, वो चीज़ सीख लें, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अरे अब हम प्लम्बर का काम सीखेंगे, हम इलेक्ट्रिशियन का काम सीखेंगे। देखिए, हुनर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपके हाथ में अगर किसी भी चीज़ का एक हुनर है, तो आप सोचिए आप उस हुनर को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ उस हुनर को बांटने का ही एक ज़रिया बन जाए, तो भी आपकी जो ज़रिया माश है वो भी बहुत अच्छा फ्लरिश और प्रोग्रेस कर सकता है। जहाँ तक तालीम की बात है, मुझे तो कभी कभी इस फंदे आई डोंट नो एक पॉलिटिकल डिबेट ये हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि तालीम ना फराहम करना भी शायद कोई एक एजेंडा हो सकता है, कि जितना शऊर आप देंगे उतनी शायद मुंह में जबान आएगी। एक्चुअली एक वजह ये है कि जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात है ना, कि अब मैंने किसी भूखे को अभी खाना खिलाया, मुझे अभी एक तसल्ली तशफ़ी मिल गई, मुझे एक बीमार है मैंने उसको मरहम पट्टी की उसकी, उसको उसी वक्त जो है वो शफा मिल गई उसकी। तालीम का ये प्रोसेस जो जेस्टेशन पीरियड है वो बहुत लंबा है, आपको 15-16 साल इंतज़ार। लेकिन देखिए, एक लाइफ टाइम का रिवॉर्ड भी तो है जी, लेकिन वो सब्र नहीं है ना, क्योंकि आजकल वो इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना है, हर चीज़ इंस्टेंट प्लेजर। तालीम में नहीं ये हो सकता, बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं हैव फेल्ड, क्योंकि 5 साल के बाद आप सड़कें और क्या कहते हैं अस्पताल वो दिखा के तो वोट ले सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो केजी से चौथी जमात तक आएगा उस पर शायद आपको शाबाशी या वोट ना मिले। लेकिन आपको पता है सड़कें जो है ना इस फंद यार, पूरी दुनिया में हर शहर की ख़राब। अगर आप पूरी दुनिया ट्रैवल करो, सड़कें हर जगह ख़राब हैं। बहुत हाईवेज अच्छे बने हुए होते हैं, लेकिन सड़कें बहुत सारे शहर, बड़े बड़े शहरों में ख़राब होती है, टूटी फूटी होती है, ये हर जगह होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरी जो बात, जहाँ तक तालीम की बात है ख़वातीन और हज़रात, मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ कि तालीम एक ऐसा ज़बरदस्त पावर है, एक ताकत है, जो कि आपको कभी भी किसी से हारने नहीं देगी। इस फंद यार हमारे साथ मौजूद है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं ललकार ट्रांसमिशन, अपने अतियात आप TCF को दीजिए, स्क्रीन पे आपके अकाउंट नंबर आ रहा है बार बार, तो प्लीज़ आगे बढ़िए, अतियात दीजिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।